गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट सबको। पिछले क्लास में आप लोगों ने बैंकिंग के विकास के बारे में देखे थे और हमने आपको बताए थे कि बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है और इसको आप लोगों को हम बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जिसमें एक एक स्टेप और एक एक संस्थान के बारे में भी हम लोग देखेंगे। दूसरी जब बातें हैं कि बैंकिंग जब बड़ा चैप्टर है तो इसमें अलग अलग पार्ट बना करके जानबूझ करके आप लोगों को दे रहे हैं कि छोटे छोटे जो है कि पार्ट के रूप में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी टेंशन दूर होगा, और नहीं तो एक ही बार एक ही पार्ट में अगर डेढ़ घंटे का वीडियो बना करके देते तो आप भी परेशान हो जाते सिर्फ एक वीडियो को देखने के लिए। इसलिए सभी चीजों का ध्यान रखते हुए, आपका ख्याल रखते हुए हमने इसको छोटे छोटे वीडियो में चार से पांच जो है कि पार्ट के तहत आपको जो है कि सारा बैंकिंग का सिस्टम बताएंगे, जिसके माध्यम से आपका सभी चीज कवर हो जाएगा। दूसरी बात ये चीज है हमारे आदर्श विद्यार्थी की, कल हम लोगों ने बैंकिंग का विकास पढ़ा था जिसमें बहुत सारी चीजों को देखे थे कि किस प्रकार से हमारे भारत में बैंकिंग आया, बैंकिंग की शुरुआत हुई और किस प्रकार से तीन पार्ट में हमारे भारत में बैंकिंग का विकास शुरू हुआ और उससे प्रश्न भी जो थे वो लोग भी हम लोग कल देखे थे। आज के पार्ट में आप लोगों के सामने है आरबीआई, आरबीआई का गठन से लेकर के आरबीआई तक के कार्य और उद्देश्यों को भी हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि अगर कार्य एक लाइन का होगा तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आखिर वो कार्य किस प्रकार से करता है। एक दिमाग में आपके या आप जैसे स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा एक बातें आती हैं जो वो हमको स्टूडेंट बताता है और हमको जो है कि कहता है कि ये चीजें कैसे हुई, वो ये है कि क्यों नहीं आरबीआई ज्यादा से ज्यादा नोट छाप करके सभी लोगों को दे देता है। ये जो है कि सबके दिमाग में आता है, आज ही इस बात का चर्चा हो जाएगा कि क्यों नहीं आरबीआई अपने मन के मुताबिक नोट छाप पाता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं आरबीआई का जो है कि गठन के बारे में प्रावधान। तो मेरे आदर्श विद्यार्थी आपको बता दें, आरबीआई तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं लेकिन आरबीआई में आपका है पार्ट टू। तो पहली बार भारत में बैंकों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न सारे बैंक, जैसा कि आपको हमको बताया कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में आया, बैंक ऑफ कोलकाता 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 था। उसके बाद जो है कि बहुत सारे बैंकों का जब स्थापना होने लगा तो बैंकिंग को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए कंप्लीट रूप से एक संस्थान की जरूरत पड़ने लगी, जिसको बाद में वो आरबीआई के रूप में व्यवस्थित हुआ था। पहली बार आरबीआई के गठन के लिए वर्ष 1926 में पहली बार हिल्टन यंग कमेटी का जो है कि स्थापना की गई, जिसके माध्यम से कह बताने के लिए कहा गया कि आप बताओ कि किस प्रकार से बैंकों को भारत में नियंत्रित किया जाएगा। वर्ष 1926 में पहली बार प्रयास किया गया हिल्टन यंग कमेटी के द्वारा। हालांकि बहुत सारे वाद विवाद के बाद इनका जो है कि प्रयास असफल रहा और पहले प्रयास में वर्ष 1926 में आरबीआई का गठन नहीं हो पाया। इसके बाद जो है कि केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का एक गठन किया गया वर्ष 1931 में। ध्यान देंगे, वर्ष 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का जो गठन किया गया उसने सिफारिश किया कि तब तक जो है कि आरबीआई जैसी संस्था का गठन नहीं हो जाएगा जब तक कि आप किसी भी प्रकार का जो है कि एक एक्ट नहीं लेकर के आएंगे जिसके तहत ये पूरी तरह से संविधान रहित, मतलब संविधान सहित जो है कि इसमें चर्चाएं होंगी। उसको देखने के लिए इसने सुझाव दिया केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के जो है कि एक्ट लाया जाए, उसके माध्यम से जो है कि आरबीआई का गठन किया जाए। तो वर्ष 1934 में आरबीआई एक्ट लाया गया और इसी आरबीआई एक्ट के तहत अप्रैल जो है कि 1935 को, ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई, जिसका कार्य था भारत में बैंकिंग सेक्टर को, बैंकिंग को नियंत्रण करना। मेरे आदर्श विद्यार्थी, इसमें सिर्फ तीन बातें आपको ध्यान रखना है कि पहली बार आरबीआई के गठन के लिए हिल्टन यंग कमेटी का गठन किया गया था वर्ष 1926 में, जिसे असफल रहा, लेकिन केंद्रीय जांच बैंकिंग जांच समिति 1931 में जब सिफारिश किया तो वर्ष 1934 में आरबीआई एक्ट का के तहत 1 अप्रैल 1935 को गठन हो गया।
अब दूसरे स्लाइड में हम लोग देखते हैं आरबीआई से संबंधित बातें कि कौन कौन सी चीजें हम लोगों को जानना जरूरी है। तो आपको अभी बताएं कि आरबीआई का जो गठन है वह जो है कि हुआ, स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 को, जबकि भारत जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद जो है कि राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। यहां से आपका 2 प्रश्न बनेगा और दोनों को आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आरबीआई का जो है कि राष्ट्रीयकरण पूछ देता है। किसी भी चीज के राष्ट्रीयकरण का मतलब वह राष्ट्र की संपत्ति हो गई, जिसका मतलब हो गया नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब कि वह सरकार जब वो प्राइवेट लोगों का है तो प्राइवेट लोगों को उसका शेयर देकर के और काम उनका खत्म तमाम कर दिया और सारी जिम्मेदारी सारे नियंत्रण अपने हाथों में रख लिया, दैट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। अब यहां पर समझेंगे क्या आरबीआई का गठन जो हुआ था वो सरकारी था उस समय, तो बिल्कुल नहीं। 1 अप्रैल 1935 को जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, आरबीआई का गठन हुआ था, उस समय कुल पूंजी थी 5 करोड़ और कुल पूंजी जो थी वो एक आदमी से न लेकर के 5 लाख लोगों से, 5 लाख लोग वहां खरीदते थे, इसका मतलब शेयर होता है, 5 लाख लोगों से 100-100 रुपए लेकर के और जो है कि आपका आरबीआई का गठन किया गया था। तो 5 लाख 5 लाख गुणे 100 बराबर 5 करोड़ हो जाएगा। तो इसमें कहने का मतलब कि 5 लाख लोगों का अंशदान था, शेयर था, इसलिए पूरी तरह से एक निजी संस्थान के रूप में विकसित हुई थी। उसके बाद अगला जो है कि आपका प्रश्न बनता है कि जिस समय आरबीआई का गठन हुआ उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन बने थे। तो प्रथम आरबीआई के गवर्नर जो बने थे वो ऑस्बर्न स्मिथ बने थे, जो है कि प्रथम गवर्नर, जबकि उस समय भारत के जो गवर्नर थे वह थे वेलिंगटन। ध्यान रखेंगे जिस समय आरबीआई का गठन हुआ उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, आजादी के तरफ बढ़ रहा था, इसलिए भारत के देखरेख के लिए जो है कि एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे, भारत के गवर्नर जनरल, और वेलिंगटन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद वर्ष 1946 में पहली बार जो है कि एक भारतीय को गवर्नर बनाया गया आरबीआई का, जिनका नाम था सिडनी देशमुख। क्या नाम था उनका? तो सिडनी देशमुख नाम था। उसके बाद आरबीआई जब राष्ट्रीयकरण हो गया तो पहली बार जो है कि 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जो पहले प्राइवेट थे। 14 बैंकों का, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिस समय उनकी कुल जमा पूंजी 50 करोड़ थी, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर करके सरकार उनकी सारी नियंत्रण जो है कि शक्ति अपने हाथों में ले लिया। और जिस समय भारत में बैंकिंग जो है कि सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके, उस समय आरबीआई के गवर्नर जो है कि थे एलके झा। इसलिए इस पॉइंट को भी देखेंगे, पहली बार बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर एलके झा, पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में 19 जुलाई 1969 को हुआ जिस समय 14 बैंक थे, और उन्हीं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा पूंजी कुल मिलाकर कितनी थी, तो 50 करोड़ थी। इस बात को मेरे आदर्श विद्यार्थी ध्यान रखेंगे और ऐसे प्रश्न जो भरेंगे उसको आप जरूर बनाएंगे। उसके बाद अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि आरबीआई का जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट जो है कि सेक्टर है, उसको कैसे चलाया जाता है। तो आपको बता दें आरबीआई का जो प्रबंधन है वह जो है कि एक केंद्रीय संचालन बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाता है, और केंद्रीय संचालन बोर्ड में कुल 20 लोग होते हैं। 20 लोग मिलकर के आरबीआई का जो है कि प्रबंधन करते हैं, जिसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। तो पहले कौन व्यक्ति है, तो जो है कि 20 लोगों में पहले व्यक्ति होते हैं जो आरबीआई के प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, इनको कहा जाता है गवर्नर। और वर्तमान में गवर्नर कौन है, आप इसको याद रखिएगा, शक्तिकांत दास। तो यह जो है कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है, कभी कभी पूछ देता है, तो यह जो है कि वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो 25वें गवर्नर आपके हैं। दूसरा जो है वो है आपका डिप्टी गवर्नर। तो गवर्नर को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर में बीपी कानूंगो, उसके बाद जो है कि आपका एम नागेश्वर राव, उसके बाद आपका महेश कुमार जैन, और उसके बाद आपका है माइकल देव पात्रा। ये
ये चार डिप्टी गवर्नर हैं और कभी कभी करेंट अफेयर्स के माध्यम से, हालांकि हाल ही फिलहाल में टीम एनएस विश्वनाथन के जगह पर जो कि आपका एम राजेश्वर राव को जो है कि बनाया गया है डिप्टी गवर्नर, तो इसमें चार डिप्टी गवर्नर हुए। उसके बाद आरबीआई भारत में अपने जो है कि नियंत्रण के लिए चार क्षेत्रीय कार्यालय बोर्ड बनाया है। वह चार क्षेत्रीय कार्यालय बोर्ड मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में और चेन्नई में है। चार क्षेत्रीय कार्यालय बोर्ड के निदेशक भी होते हैं, वो भी जो है कि आरबीआई को संचालित करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उसके बाद केंद्र सरकार अपनी ओर से वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ जो है कि आईएएस अधिकारी को, जिसको वित्त सचिव कहा जाता है, उसको भी आरबीआई के जो है कि संचालन बोर्ड में शामिल किया जाता है, जो कि सरकार और आरबीआई के बीच के मीडिएटर का काम करता है। उसके बाद अगर देखा जाए, उसके बाद जब देखा जाए तो आरबीआई अपना कार्य किस प्रकार से करे, इसके लिए 10 जो है कि भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी इसमें शामिल होते हैं, तो कुल मिला के एक गवर्नर, चार डिप्टी गवर्नर, चार क्षेत्रीय कार्यालय बोर्ड के निदेशक, एक वित्त सचिव, तो 1, 4, 5, 4, 9, 1, 10 और 10 भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, तो कुल मिलाकर के 20 लोग इसमें शामिल होते हैं। इसमें कितने लोग शामिल होते हैं? 20 लोग शामिल होते हैं। अब अगला मेरे आदर्श विद्यार्थी देखेंगे कि आरबीआई का कार्य क्या क्या होता है। तो आरबीआई का जो कार्य है, इसमें जो है कि अलग अलग बातें आएगी। तो आरबीआई के कार्य में पहला है हमारे आदर्श विद्यार्थी नोटों का निर्गमन करना, यानी नोट का निर्गमन करना आरबीआई का कार्य है। जो आपको भी, जैसे आप सब लोग को पता चलता होगा कि आरबीआई क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा नोट छाप देता है, सभी लोगों को दे दे, सभी लोग गरीबी से निकल जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि नोट निर्गमन का मतलब होता है न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत जो है कि 200 करोड़ रुपए का एक जो है कि आरक्षित क्षेत्र रखा जाता है, और आरक्षित और 200 रुपए में दो पार्टियां क्या है। पहला पार्ट मतलब आरबीआई, जब नोटों का सवाई और निर्गमन करेगा उसमें 115 करोड़ रुपए का, 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण जो है कि रखेगा अपने पास, और 85 करोड़ का वह परिसंपत्ति दिखाएगा, 85 करोड़ का परिसंपत्ति दिखाएगा। परिसंपत्ति का मतलब जो हमारे भारत में जो है कि विभिन्न सरकारी क्षेत्रों से जो है कि निर्मित परिसंपत्तियां हैं, वह 85 करोड़ के तहत दिखाएगा, और 115 करोड़ और 85 करोड़ मिलकर के कितने हो गए, 200 करोड़ हो गए। हालांकि आरबीआई इस 85 करोड़ वाला को कम भी कर सकता है। तो नोट निर्गमन करना यानी नोट को मार्केट में इशू करना, छापना, यह आरबीआई का कार्य है। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे जो है कि सरकार के बैंकर के रूप में, यानी सरकार अपना जितना भी इनकम होता है वह पूरी तरह से आरबीआई में रखता है, किसी जो है कि बैंक में नहीं रखता है। इसलिए सरकार का बैंक है आरबीआई, सरकार के बैंकर के रूप में। तीसरी बात है, जब सरकार को किसी जो है कि देश से, किसी संस्था से लोन ऋण की जरूरत होती है तो आरबीआई ही उसको हैंडल करता है। इसलिए वित्तीय संबंध में आरबीआई सरकार का एजेंट भी है, यानी सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य आरबीआई करता है। कभी कभी आपको प्रश्न पूछ जाता है कि निम्न में आरबीआई का कार्य नहीं है, अगर आरबीआई का कार्य नहीं है तो इसमें जो होगा वो तो होगा योजनाओं का जो है कि लागू करना, आरबीआई का कार्य नहीं है तो सरकार का कार्य है। चौथा देखेंगे, बैंकों के बैंकर के रूप में, बैंकों का बैंकर इन द सेंस बैंक ही, जैसे सिंपल बात कस्टमर बैंक आरबीआई, ये रिलेशन होता है वित्तीय संबंध का। तो कस्टमर का संबंध बैंक से होता है, लेकिन बैंक का खाता आरबीआई में खुलता है और आरबीआई के लिए बैंक अपना खाता खोल करके रखते हैं, जो बैंक अपना प्रॉफिट का सारा पैसा जो है कि इसमें रखता है, तो इसमें जो है कि आरबीआई में रखता है। पांचवा, समाशोधन गृह, इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा। समाशोधन गृह का मतलब हर जो है कि बैंक का, हर बैंक की जिम्मेदारी एक दूसरे बैंक पर देना, जैसे पीएनबी है,
ये प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो थोड़ा लॉस में चल रहा है, तो यह किसको सपोर्ट करेगा या किसी और को सपोर्ट करेगा? तो ये सारी जिम्मेदारियां जो होती है धन गृह के माध्यम से आरबीआई एक दूसरे के ऊपर दे देता है। नेक्स्ट आपका है शाख नियंत्रण। जब जो है कि मार्केट में महंगाई बढ़ती है और या जो है कि कभी मंदी आता है, इसके लिए जो है कि बैंक क्या क्या जारी करता है, तो बैंक रेट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR इत्यादि को जारी करता है, और यह हर 3 महीने पर होता है, 3 महीने पर। इसी को कहते हैं साख, सब मिलाकर के क्या कहते हैं साख, और यह कंप्लीट रूप से मौद्रिक नीति के तहत होता है, मौद्रिक नीति के तहत, जिसके माध्यम से अगर बैंक रेट, आप लोग को मुद्रास्फीति में भी बताए हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स CRR में अगर कमी करेगा रेट में, तो बाजार में तरलता होती है वह बढ़ जाती है। बाजार में क्या होती है? तरलता बढ़ जाती है। बाजार में तरलता बढ़ने का मतलब मार्केट में पैसा बढ़ जाना। चलो अगला बात, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है या विदेशी मुद्रा की जो व्यवस्था होती है वह आरबीआई के ही द्वारा किया जाता है, और आरबीआई इसकी जिम्मेदारी किसी स्पेशल बैंक पर दे देता है। वर्तमान में कोटक महिंद्रा बैंक वगैरह जो है वो मतलब मुद्रा व्यवस्था को और इस पर कृपा चौर आप देख सुने होंगे। अभी हाल फिलहाल में करंट लेवल में भारत सबसे जो है कि अपने उच्चतम स्तर पर मुद्रा विदेशी मुद्रा भंडार का रख लिया है, जो 586 अरब डॉलर है। अब इसके बारे में समझेंगे क्या है, तो 586 अरब डॉलर इन द सेंस 11 महीने तक भारत का आयात का खर्च चुका देना, वह जो है इसका रिपोर्ट दर्शाता है। ये हो गया विदेशी मुद्रा की व्यवस्था। आज जो है कि दूसरे पार्ट में बैंकिंग में आप लोगों का आरबीआई से संबंधित बातें हुई, आरबीआई का गठन कैसे हुआ, आरबीआई को संचालित कौन करता है, आरबीआई के बारे में और सारे प्रश्न जो थे वो भी, आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है कि 1 जनवरी 1949, आरबीआई का गठन के समय पहली बार आरबीआई के गवर्नर कौन बने, ऑसबोर्न स्मिथ। भारत के पहले गवर्नर कौन बने, तो वो बने थे जो है कि आपके सीडी देशमुख। जिस समय आरबीआई का गठन हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे वेलिंगटन। उसके बाद जिस समय भारत में पहली बार 1969 में 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन था, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे आपके एलके झा। दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय गवर्नर कौन था, उस समय गवर्नर थे आईजी पटेल। उसके बाद आरबीआई को संचालित करने के लिए 20 लोग होते हैं, जिसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 क्षेत्रीय कार्यालय बोर्ड के निदेशक, 1 वित्त सचिव, 10 और 10 भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होते हैं। आरबीआई अपने बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रण करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों में अपना क्षेत्रीय कार्यालय बोर्ड बनाया है, जो मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली और कोलकाता में है। उसके बाद आरबीआई कार्य में निम्न कार्य आपको बताए, एक दो बार आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये बैंकिंग है और इससे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, इसलिए आपका एक भी प्रश्न न छूटे। इसी माध्यम से आप लोग इस चैनल के विभिन्न जो है कि कोर्स को आप देखें, उसको परचेज करें, घर बैठे आप तैयारी करें, क्योंकि गुरु जी का कहना और इस चैनल का उद्देश्य, उसके बाद हम सभी लोगों का परम कर्तव्य है कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो, यह जो है कि हम लोगों का लक्ष्य भी है। अगले क्लास में आएंगे बैंकिंग पार्ट 3 लेकर के, बैंकिंग से रिलेटेड और भी सारी बातों को। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में बैंकिंग के 3rd पार्ट के साथ। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, आपका एग्जाम नजदीक आने वाला है, इसलिए विदाउट एनी डिप्रेशन पॉजिटिव माइंड होकर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।